दोस्तों ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्रों के लिए और खास तौर से अनुदेशक के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कहावत तो आपने सुनी हुई, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने साथियों को शेयर करिए, जिससे आप कहीं गर्म दूध द्वारा से ना पी लें। यहाँ पर शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए खास तौर से ये वीडियो रहने वाला है। जैसा कि आपको ये दिन तो याद होंगे, मोदी जी यहाँ पर चिल्लाते थे, अगर आप भूल गए हो तो इसको याद कर लीजिए। 2022 वाले चुनाव से पहले शिक्षा मित्र आत्महत्या ना करें, हल निकालेंगे, मोदी जी ने आश्वासन दिया था। इस तरीके से 2022 में चुनाव से पहले भी अपने यहाँ पर आश्वासन दे सकते हैं, भाषणों में चिल्ला सकते हैं और कह सकते हैं। एक बार 2022 में दीजिए, अब की बार संविदा कर्मी शिक्षा मित्र अनुदेशक की पहले ही सुनवाई की जाएगी। एक बार ये स्टेज पर जाकर के भी रो करके भी आपको लुवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका स्पष्ट लिखा हुआ है, इस प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार समस्या को 3 महीने में न्यायोचित तरीके से सुलझाया जाएगा। आगे वहीं आपको याद होगा, जिस तरीके से आपके लिए यहाँ पर देखा था महिलाओं पर किस तरीके से यहाँ पर जो इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के बाद अपने सर के बाल भी मुड़वा दिए थे, उसके बाद भी बीजेपी सरकार को कोई भी यहाँ पर आप पर तरस नहीं आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे चिल्लाते थे स्टेज पर जाकर के, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, मोदी जी इस तरीके से बोलते थे। तो यहाँ पर आप ये अच्छे से देख पा रहे हैं, लोक कल्याण संकल्प पत्र घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव 2017, इसमें स्पष्ट कहा गया था प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार समस्या 3 महीनों में न्यायोचित तरीके से सुलझाई जाएगी। तो इसलिए सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए, जैसे अनुदेशक की बात करते हैं, अनुदेशक के लिए 3 अप्रैल 2016 के दिन रविवार की रैली में भी स्पष्ट रूप से यह लिखा गया था। पॉइंट नंबर 4 पे देखिए, विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को नियमित किया जाएगा। तो ये वादा 3 अप्रैल 2016 को अच्छे से वोर्डिंग पर लिख करके लगाया गया था, जहां पर आप ये देख सक पा रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए यहाँ पर वादा किया गया था। अब आपके पास समय 2022 में ये गलती यानी गर्म दूध द्वारा से नहीं पीना है, नहीं तो फिर आपने अगर गर्म दूध पी लिया तो मान के चलिए फिर अभी तक तो आपके सर के बाल ही गए हैं। हो सकता है गर्म दूध द्वारा से पी लिया तो आपके पास जो पद है अभी शिक्षा मित्र वाला, अनुदेशक वाला, वो पद ही ना रहे, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको अब छाछ को भी फूंक फूंक करके पीना है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे फिर नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।